नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आर्यन सिंह, उत्तर प्रदेश राज टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा विद्या शाखा से। आज हम लोग आदर्शवाद पर पुनः परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और जो कि पिछली कक्षाओं में आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के बारे में, उसके तत्वों के बारे में, उसके ज्ञान मीमांसा के बारे में, उसके मूल मीमांसा के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वार्तालाप पूरा किया था, और उसी के संदर्भ में हम उसको आगे ले चलेंगे आज कि आदर्शवाद है क्या, उसके परिभाषाओं में जो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं वो सिद्धांत रूप में कैसे हैं, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आदर्शवाद को जितने भी आदर्शवादी हैं वे दर्शन शास्त्र की ऐसी विचारधारा मानते हैं जो इस ब्रह्मांड को विचार जन्य मानते हैं। यह मानते हैं कि यह ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसका निर्माणकर्ता ईश्वर है जो विचारों के द्वारा करते हैं। यह जो भी हमको ये वस्तु जगत दिखाई पड़ता है वह सारा जो है हमारे विचारों में है, और विचारों के द्वारा ही जो है यह ईश्वर जो है एक नियामक सत्ता है जो इसका निर्माण करती है। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान के बारे में अगर हम देखेंगे तो ज्ञान को भी उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है, अगर हम वाह इंद्रियों मतलब वाह जो हमारे वस्तु जगत है उससे हम प्राप्त करना चाहेंगे तो वह जो है हमारे लिए अस्थाई नहीं है। और उन्होंने कहा कि आत्मिक जगत के जो ज्ञान है वह सत्य है, सदैव है, चिरंतन है, उसका ज्ञान हमारे लिए अस्थाई होता है, वह सदैव चलता है, क्योंकि वाह जगत को आदर्शवादियों ने माना हमारे विचारों से उत्पन्न हुआ है। विचार जैसा रहेगा उसी तरीके से इसका उत्पत्ति होगी, उसी तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो यह एक प्रकार से जो हमारा ये पूरा वस्तु जगत की दिखाई पड़ता है वह विचारों के आधार पर है, इसलिए उसको आगे उन्होंने कहा कि इस पर आगे बढ़ा जब ज्ञान के आगे उन्होंने, ज्ञान के बाद मूल्य की बात की तो सत्यम और शिवम सुंदरम की शाश्वत मूल्य की बात की कि यह हमारे लिए आगे अगर हमारे अंतिम उद्देश्य तक जो परमात्मा तक पहुँचने का उद्देश्य है, जो आत्मानुभूति का उद्देश्य है, उस तक पहुँचने के लिए हमको सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यह, जैसा कि आपको पता है कि यह हमारा जो पूरा यह कोर्स है, बीएड के जो कोर पेपर है, सेकंड पेपर, वो जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ब्लॉक 3 आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म यूनिट 8 से है, आदर्शवाद और शिक्षा, हमारी टॉपिक उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। और हमारे जो इस पर ऑब्जेक्टिव आउटकम्स हमने डिसाइड किया है वो है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसकी पिछले कक्षा में हम जो है उसकी परिभाषा, आदर्शवाद है क्या, उसके बारे में जाना था। अब हम उस आदर्शवाद की परिभाषा के बाद जो आदर्शवाद का सिद्धांत है उसको देखते हैं, उसको जो मिलता है सिद्धांत के रूप में हमारे सामने कैसे आता है, उस सिद्धांत को हम आप समझते हैं सिद्धांत है क्या। तो आदर्शवाद के मूल सिद्धांत हम अगर देखेंगे तो पहला सिद्धांत निकल के आता है जो उसकी परिभाषाओं से, यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। इसमें जितने भी आदर्शवादी आए सभी ने यही कहा कि एक ईश्वर एक नियामक सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड के जो है रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो उनका मानना है कि यह पूरा ब्रह्मांड जो है ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो एक ऐसी सत्ता है जो विचारों से उत्पन्न होती है। और क्योंकि उन्होंने इसके बारे में, मुख्य जो हमारे विचारक आदर्शवादी के आए वो प्लेटो ने कहा कि यह जो आदर्शवाद है पूरे तरीके से आध्यात्मिक है, आत्मा और परमात्मा का जो है एक विलय है, परमात्मा का विलय हमारा ध्येय है, और आत्मा जो है वो साधक के रूप में निरंतर जो है इस पर शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ता है और उसका उस ध्येय तक पहुंचना रहता है परमात्मा तक। तो उन्होंने कहा कि वो विचारों से उत्पन्न हुआ, जो भी ब्रह्मांड है वो विचारों से उत्पन्न हुआ है। विचार के रूप में उन्होंने कहा कि ये दो जगत के रूप में, एक आत्मिक जगत है एक वस्तु जगत है। जो आत्मिक जगत के जो द्वारा जो विचार उत्पन्न होता है उसी के द्वारा ये वस्तु का निर्माण होता है, इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो उन्होंने दोनों को, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आत्मिक जगत श्रेष्ठ है, दो जगत में उन्होंने जरूर बांटा कि आत्मिक जगत और वस्तु जगत,
लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मिक जगत श्रेष्ठ है, हमारा अंतिम उद्देश्य हमारी आत्मा ही उस परमात्मा तक, उस आत्मानुभूति तक पहुँचेगा, उसी का उद्देश्य है हमारा, ये अंतिम लक्ष्य है, तो इसलिए उनको इसको कहा। फिर उसी पर अगले जो आदर्शवादी आते हैं, हीगल ने, प्लेटो साहब ने बांटा था, उसी तरीके से हीगल साहब ने भी दो पार्ट में इसको बांटा और कहा कि एक जो है हमारे आत्मिक जगत है, जो उन्होंने कहा कि आत्मा के द्वारा इसके बारे में जाना जाता है, और दूसरा जो है बाह्य जगत है, जिसे पदार्थ जगत के रूप में जाते, मैटर के रूप में, उन्होंने एक माइंड कहा और उसको कहा मैटर, कहा पदार्थ कहा। तो ये कहा कि ये जो पदार्थों का निर्माण है, उन्होंने भी यही कहा, ये सुपर माइंड के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी दोनों के महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन एक चीज़ और भी कहा कि इन दोनों में श्रेष्ठ है आत्मिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है वो श्रेष्ठ है। आगे उन्होंने कहा मतलब भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, जिसको उन्होंने हीगल ने भी बताया और पहले से ही प्लेटो साहब भी यही कहते आए कि हमारा जो भी वस्तु जगत दिखाई पड़ता है, जो भौतिक रूप में दिखाई पड़ता है, जो इंद्रियों से अनुभव होता है, वो सारी चीज़ें ये हमारे विचारों से उत्पन्न होता है, हमारे आत्मा के सोच में है, हमारे आत्मा के द्वारा ये सोचा हुआ, विचार किया हुआ, ये सारे वस्तु जगत का निर्माण होता है, इसलिए जो है ये श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा हमारा जो आदर्शवाद का मूल सिद्धांत है, आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा के बारे में कहा गया, भाई प्लेटो ने भी कहा कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, क्योंकि आत्मा जो है उसी सुपर माइंड से ही निकला हुआ, क्योंकि परमात्मा का ही अंश को आत्मा के रूप में आदर्शवादी देखते हैं। वो उनका मानना है, हर आदर्शवादी के मानना है कि आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उस पूर्णता को उनको आभास नहीं है, उस पूर्णता को आभास कराना एक शिक्षक का दायित्व होता है, और उस परमात्मा तक विलय कराना और उस आत्मानुभूति तक ले जाना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा जो है आध्यात्मिक तत्व, मतलब उस मूल्यों के द्वारा उस परमात्मा तक सर्वश्रेष्ठ जो है, सबसे उत्तम है, उस तक जाने का जो रास्ता होता है, वो जो है हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट हमारा, चौथा जो हमारा आदर्शवाद के मूल सिद्धांत है, मनुष्य संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें इन्होंने कहा कि आदर्शवादियों ने कहा कि मनुष्य ही संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसलिए इस कहा कि सर्वश्रेष्ठ रचना है क्योंकि यह जो है मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है, विवेक होता है, और यह उस परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम है, क्योंकि यह भी परमात्मा का अंश है। जो मनुष्य है, मनुष्य की आत्मा है, वह परमात्मा का सूक्ष्म, मतलब वो एक अंश है, और उसमें भी वही पूर्णता है जो परमात्मा में है। बस उसको जो है रास्ते की आवश्यकता है, जो एक शिक्षक, एक गुरु और एक शिक्षा जो है उसे उस रास्ते तक, उसी सर्वश्रेष्ठता तक ले जाती है। इसलिए कहा गया मनुष्य संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा जो इसका मूल सिद्धांत निकल कर आता है, मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य का विकास, उनका मानना था आदर्शवादियों का, कि यह जो है उसके भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। भौतिक जो है हमारे इंद्रियों से, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, वह वाय रूप में जो दिखाई देता है, यह भौतिक है। भौतिक जो शक्ति है वो हमारे इंद्रियों से अनुभव होता है। आत्मिक शक्ति हमारे जो, जिसका हम अनुभव करते हैं, वह मूल रूप से जो हमारे अंदर जो सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से जो जिसका विकास होता है, जिसके लिए नीत धर्म ये सारी चीज़ें जो है हमारी आध्यात्मिक होती है। इन आध्यात्मिक चीज़ों के विकास के आधार पर हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और भौतिक रूप से भौतिक शक्तियों को हम अपने को समृद्ध बनाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को कहा गया कि मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी आदर्शवादी हैं, उनका ये मानना है कि आध्यात्मिक शक्ति के ही आधार पर भौतिक शक्तियों का निर्माण होता है, उसे दिशा निर्देशन मिलता है, जीवन यापन के लिए दिशा निर्देशन मिलता है। तो मनुष्य को जीवन का जो सही संतुलित जीवन जो जी पाता है, वह आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर ही यह जो है भौतिक जीवन को
जीवन यापन कर पाता है। अब अगला जो हमारा आदर्शवाद के मूल सिद्धांत के रूप में आता है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूत अथवा ईश्वर प्राप्ति है। ये आदर्शवादी कहते हैं, पहले से कहते आए हैं, जिससे को पहले भी चर्चा हो चुका है कि मनुष्य जीवन, हर आदर्शवादी यही मानता है कि आत्मा का उद्देश्य ही है ईश्वर की प्राप्ति करना, आत्मानुभूति करना। आत्मानुभूति करना और ईश्वर की प्राप्ति करना दोनों एक ही चीज़ है, पर्यायवाची है। और इसका हमारे आत्मा, अगर हम पैदा हुए हैं एक आत्मा के रूप में, बच्चा पैदा हुआ है, मनुष्य पैदा हुआ है आत्मा के रूप में है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य यही है आत्मानुभूति तक पहुंचना और ईश्वर की प्राप्ति करना। तो इसके लिए वह अपने मूल्यों के द्वारा, नैतिक आचरण के द्वारा जीवन जो जीता है, वो एक जो है सद्वृत्तियों पर चलकर जो है इस अपने ध्येय को प्राप्त करता है, आत्मानुभूति को प्राप्त करता है। अगला जो हमारा जो आता है निकलकर मूल सिद्धांत, आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल सत्यम शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। आदर्शवादी कहते हैं कि आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य है, सत्यम जो सत्य है वह कल्याणकारी होगा, क्योंकि हमेशा उन्होंने कहा कि आत्मा ही सत्य है और जिसमें यह विलय करना है, जिसका जो लक्ष्य है वो आत्मानुभूति है, वह भी सत्य है। तो उसके तक पहुंचना, जो सत्य है वह शिवम है, वह कल्याणकारी है। शिवम मतलब कल्याणकारी है और वह सुंदर है, और जो सुंदर है वह कल्याणकारी है, शिवम है और वही सत्य भी है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जब तक जो है आत्मा जो है इसे अलग अलग रूप में देखती है, तब तक जो है उस आत्मानुभूति, उस ध्येय तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाती है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों को, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति पहले करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और आत्मानुभूति प्राप्त कर पाएंगे। और अंतिम हमारा जो आदर्शवाद के मूल सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। यहां पे कहा गया कि अगर आध्यात्मिक मूल्य हमें प्राप्त करना है, आध्यात्मिक मूल्य हमारे कौन है, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये हमारे तीन मूल्य हैं। अगर इसको प्राप्त करना है तो पहले मुझे नैतिक रूप से, नैतिक और चारित्रिक रूप से समृद्ध बनना पड़ेगा, तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आत्मानुभूति तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से आचरण करने के, मतलब नैतिक आचरण करने के लिए जो हमारे जो देश काल परिस्थिति में है, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको जो हम स्वीकार करें और जो अच्छा है उसको स्वीकार करें, बुरे को छोड़ते जाएं, यह जो है हमारी, ये धीरे 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 सत्यम और शिवम सुंदरम की तरफ ले जाता है। ये मूल्यों को प्राप्त करके हम जो है आत्मानुभूति तक पहुंच सकते हैं। अब हम शिक्षा का संप्रत्यय देखेंगे, शिक्षा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन देखेंगे, क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की परिभाषा क्या है, उससे निकले हुए मूल सिद्धांत क्या है, उसको हम लोगों ने चर्चा किया। अब अगला हमारा आता है, अगली टॉपिक आता है शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, वो भी आदर्शवाद के संदर्भ में क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य आदर्शवादी थे, जो दार्शनिक, वो प्लेटो थे। प्लेटो ने कहा शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वह योग्य हो। उन्होंने यही चीज कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जो जिसके लिए वह योग्य हो। उन्होंने दोनों चीजें कही कि यह इस शरीर को और इस आत्मा को भी, यह जो अपूर्ण है, जिसको अभी हम लोग पूर्णता की तरफ नहीं पूर्ण हो पाए हैं, क्योंकि आत्मानुभूति हमारा उद्देश्य है, जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं, अपने ध्येय तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक यह साधन के रूप में हमारे पास जो है शरीर भी है, तो शरीर को इस लायक बनाना उस उद्देश्य तक पहुंच सके, आत्मानुभूति तक पहुंच सके। तो यही इनका वो है कि दोनों को हमको जो है शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड साउल ऑफ द परफेक्शन ऑफ विच दे आर सक्सेसिबल। और इसी पर हर्बर्ट साहब, जो उनके बाद आए, थोड़े आधुनिक काल के हैं,
शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। तो आदर्शवादी यही क्यों सद्गुणों की बात करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि प्रकृतिवाद की तरह वो जो है भाव में बह जाए और उन्होंने कहे कि इसको स्वतंत्र रूप में छोड़ दें कि जो जैसे है उसको किसी की बात मतलब बंधन में नहीं बंधना है। प्रकृतिवाद ने कहा कि जैसे ही बच्चा जिस तरीके से शिक्षित हो रहा है वही शिक्षा है, इनका यह मानना नहीं था। उन्होंने एक और कहा कि जितने भी सद्गुण होते हैं वो आत्मा के अंदर होने चाहिए, तभी हम उस परमात्मा ईश्वर और आत्मानुभूति तक पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए भी हर्बर्ट साहब ने वही चीज़ कहा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्च्यू। और पेस्टोलॉजी, अगले जो हमारे शिक्षा शास्त्री दार्शनिक आए इसको आदर्शवाद के बारे में बताने के लिए, उन्होंने भी कहा मनुष्य के स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। इन्होंने यही कहा जितनी भी शक्तियां हैं वो आंतरिक रूप में है और उसे प्राकृतिक रूप से और सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास की शिक्षा है। उन्होंने कहा कि इसको इसके साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। समन्वय किसके द्वारा? स्वास्थ्य मूल्यों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सद्गुणों के द्वारा, नैतिक आचरण के द्वारा, चरित्र के द्वारा। इसको प्राप्त करके हम एक प्रगतिशील शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी पर एडिसन साहब ने कहा शिक्षा जब किसी श्रेष्ठ पुरुष के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ती है तब उसके सुप्त गुणों और पूर्णताओं को बाहर प्रकट कर देती है। तो ज्यादातर जितने भी आदर्शवादी हैं सबने कहा कि आत्मा जो है एक सुप्त अवस्था में है, क्योंकि एक बच्चे के जब हम उसकी जो है पूरी क्षमता को जब तक बाहर नहीं प्रकट करेंगे, उसके सुप्त गुणों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का यही कार्य है कि उसके जो भी सुप्त गुण हैं, जो उसके अंतर्निहित गुण हैं, उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। हमारा मुख्य रूप से शिक्षा का यही कार्य है। और इन सब परिभाषाओं के देखने के बाद जो निम्नलिखित तत्व सामने आते हैं वह इस प्रकार है। पहला है शिक्षा प्रदान करने तथा अर्जित करने के लिए सक्रिय प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयत्न की शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अर्जित मतलब इसको लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कौन करेगा? एक जिसके जिस संपर्क में, जिस वातावरण में है, माँ बाप का दायित्व तो है, परिवार का दायित्व तो है, समाज का दायित्व तो है, एक उसके उसको जो है शिक्षा देने वाला गुरु आता है, शिक्षक आता है, उसका दायित्व तो है कि उसको जो है वो एक रास्ता दिखाए और अपने आत्मानुभूति, अपने उद्देश्य, अपने ध्येय तक पहुंचने में उसको सक्षम बनाए। तो इसलिए शिक्षा जो है अर्जित और सक्रिय प्रयास के द्वारा होता है, और उसमें स्वयं जो है वह शिक्षार्थी को, वहाँ शिक्षार्थी को भी सक्रिय होना पड़ेगा, आत्मिक रूप से आत्मनियंत्रित होकर मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। दूसरा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शिक्षक का यहाँ बहुत बड़ा दायित्व है। आदर्शवादी मानते हैं कि जितने भी जैसे अब हमारा अगर हम प्रकृतिवाद को देखें तो प्रकृतिवाद में जो है शिक्षक के उतने दायित्व को उतने मतलब उस वहाँ पर शिक्षक को गौण रूप में देखा गया कि शिक्षक का कोई रोल नहीं है उसके शिक्षा प्राप्त करने में। लेकिन हमारा आदर्शवाद जो आदर्शवादी दार्शनिक है वे कहते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। बिना शिक्षक के हम, बिना गुरु के हम जो है आत्मा के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो है सुप्त गुण है, हमारे आंतरिक जो सुप्त गुण है उसको हम बाह्य रूप में प्रकट नहीं कर सकते और अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकते। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें है शिक्षा के उद्देश्य पहले से निर्धारित है। उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से उद्देश्य उस नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना, उस नैतिक मूल्यों के द्वारा आत्मानुभूति को और ईश्वर की प्राप्ति करना, यह पहले से निर्धारित है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही एक जो आत्माधारी शिक्षार्थी का उद्देश्य है। अगला है शिक्षा से न केवल व्यक्ति का विकास होता है अपित मानव समाज बेहतर होता है। शिक्षा से कहा उन्होंने कि व्यक्ति ही नहीं, केवल यह इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, इससे जो है पूरा मानव समाज इसका विकास होता है। क्योंकि यह जो है यह आदर्शवादियों का मानना है कि अगर कोई अपने आत्मिक विकास करके उस आत्मानुभूति को प्राप्त करता है तो उसमें समाहार है, समष्टि के रूप में वो देखता है, पूरे समाज को लेकर चलता है, उस कुछ न कुछ जो है अपने मूल्यों का प्रभाव वो पूरे समाज पर डालता है,
और उस आत्मानुभूति के प्रक्रिया में सारे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए यह जो है मानव नहीं कहा कि शिक्षा केवल व्यक्ति का विकास नहीं होता अपितु मानव समाज बेहतर होता है। पांचवा, शिक्षा से व्यक्ति परिपक्व बनता है अर्थात संस्कारी बनता है। शिक्षा हमारी जो आदर्शवादी शिक्षा है उससे व्यक्ति जो है परिपक्व होगा, संस्कारी होगा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करेगा निश्चित रूप से वह अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य का भेद करना जान जाएगा। और क्योंकि उसे प्राप्त करना है अपने उद्देश्य को, वो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, जो वह अपने मूल्यों के द्वारा प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षा व्यक्ति परिपक्व बनता है अर्थात संस्कारी भी बनता है। अब हम आगे आते हैं शिक्षा के उद्देश्य। हमने अब देखा कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का संप्रत्यय देखा, आदर्शवादी शिक्षा का संप्रत्यय। अब आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। शिक्षा का आदर्शवादी, जैसे कि हमारे आपकी चर्चा हो रही है कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य, जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, आत्मा परमात्मा को जानना, मुख्य रूप से ईश्वर को जानना, आत्मा परमात्मा को जानना। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर हम जो है स्वयं अपने बारे में जानना शुरू करेंगे, आत्मा मतलब स्वयं के बारे में जानना, तो उस आत्मा के बारे में जानते जानते उस परमात्मा तक को जान जाता है, उस परम सुपर माइंड को जान जाता है, अपने माइंड को समझते समझते सुपर माइंड को भी जान जाता है। तो इसका इस यात्रा तक, परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा जो है, इसका एक उद्देश्य है शिक्षा का। इसके चार सोपान उन्होंने बताया। प्रथम सोपान स्व का विकास है। उन्होंने कहा कि जो स्वयं जो शरीर का विकास है वो पहले होना चाहिए। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप समाज के साथ चल पाएंगे, सद्गुणों को लेके चल पाएंगे, आपके अंदर क्षमता रहेगी, तभी आप जो है उस पथ पर, आत्मिक विकास के पथ पर बढ़ पाएंगे। पहले शरीर को स्वस्थ रखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सोपान उन्होंने कहा सामाजिक स्व का विकास। स्व के विकास के बाद फिर सामाजिक स्व विकास, उसमें नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक और सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तभी हम सामाजिक स्व का विकास कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों को सामाजिक स्व के विकास के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा सोपान है मानसिक स्व का विकास, और इसके बाद इस धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक रूप से देखने के बाद मानसिक, बौद्धिक और विवेकशील प्राणी है, तो इसे मानसिक रूप से हमको विवेकशील बनना पड़ेगा, बौद्धिक रूप से, क्योंकि तर्क करने की हमारे अंदर क्षमता हो, हमको विचार करने की क्षमता हो, तभी हम इस ब्रह्मांड के बारे में जान पाएंगे, इस वस्तु जगत के बारे में जान पाएंगे और एक परमात्मा तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। चौथा सोपान है आध्यात्मिक स्व का विकास, क्योंकि अभी तक स्व का विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, अब आध्यात्मिक स्व का विकास। अंतिम जो उनका वो बनाया कि वे जो है आध्यात्मिक स्व का विकास, क्योंकि नैतिक आचरण और हमारा, जब तक हम नैतिक मूल्यों को नहीं प्राप्त कर सकते, आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होंगे, हमारी आत्मा अध्यात्म के तरफ नहीं जाएगी, अध्यात्म के सद्गुणों को नहीं प्राप्त करेगी, तब तक हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। यह आदर्शवादियों का मानना था। और उसी पर अगर हम आगे से अब और इस पर थोड़ा विस्तार करें, तो पहला अगर इन सब सारी चीज़ों से निकल कर आता है शारीरिक और मानसिक विकास, पहला जो हमारा उद्देश्य बनकर आता है कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होना चाहिए हमको जो है अपने उद्देश्यों को तक पहुंचने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वरानुभूति करने के लिए, आत्मानुभूति करने के लिए, पहले हमको शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होना पड़ेगा, हमें जो है समाज के अनुकूल अपने आप को बनाना पड़ेगा, और उसके तरफ जितना आत्मिक रूप से बढ़ सके उसके लिए समृद्ध बनना पड़ेगा। दूसरा हमारा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। सामाजिक मतलब स्व का विकास करने के बाद इसमें नैतिक रूप से, जो सांस्कृतिक रूप से हम समृद्ध होंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमारा सामाजिक विकास भी समृद्ध होगा, और हम समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए वह उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक नैतिक आचरण, उसमें नीत धर्म सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और इन सब को विकसित करने के बाद हम जो है आगे अपने उद्देश्यों पर बढ़ सकते हैं। तीसरा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक विकास का मतलब था, आदर्शवादियों का मानना था कि जो समाज के अनुरूप व्यवहार है उसको नैतिक रूप में हम पालन करने लगे, जो अच्छे बुरे का पालन करने, अच्छा जो रहता है उसको, दोनों को भेद करके, जो अच्छा है अच्छे को अपनाएं, सद्गुणों को अपनाएं, और जो समाज के अनुकूल हो और उस पर हम व्यवहार करें, तो निश्चित रूप से यह जो है एक
नैतिक व्यक्ति वह कहलाता है, वह आत्मा जो है नैतिक कहलाती है। और यदि हम उस पर अडिग रहें और सदैव उसी पर उस सत्य को स्वीकार करते हुए उस सद्मार्ग पर चलने की जब हम शुरू कर देते हैं तो यह निश्चित रूप से वह चारित्रिक विकास, वह चरित्रवान व्यक्ति को कहा जाता है कि वह आत्मा चरित्रवान है, उसमें नैतिक और चारित्रिक विकास दोनों हो चुका है। क्योंकि वह जो है चारित्रिक रूप से जो है चारित्र जो है एक संघर्ष की कहानी है और जो है चरित्र को छोड़ना एक पलायन है। तो इसलिए आदर्शवादियों का मानना है कि चारित्रिक रूप से हमको समृद्ध होने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, आत्मिक रूप से बहुत उस पर तपस्या करनी पड़ेगी। और चौथा है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। हमारा जो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है उसमें है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। उन्होंने कहा कि जो हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हैं शारीरिक रूप से सौष्ठव मतलब जो स्वस्थ हैं उनको जो है सैनिक शिक्षा दी जाए। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरा जो है जो बौद्धिक रूप से थोड़ा सा उच्च स्तर पे हैं उनको उत्पादन और में लगाया जाए, उत्पादन कार्य में लगाया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो अत्यधिक उनसे ज़्यादा बुद्धिमान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उनको जो है प्रशासनिक कार्य में लगाया जाए, उनको प्रशासनिक शिक्षा का कार्य मतलब दिया जाए, वह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और पांचवा हमारा बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास है। बुद्धि और विवेक शक्ति के विकास के द्वारा हम तभी तर्क कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे, उस मूल्यों को प्राप्त कर पाएंगे जिसको हमें प्राप्त जो उस लक्ष्य तक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ बनाएगा। छठा है आध्यात्मिक चेतना का विकास। इस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने के लिए हमें खुद उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए चैतन्य होना पड़ेगा। ऐसे कार्य करने चाहिए अपने नैतिक और चारित्रिक रूप से अपने आप को समृद्ध बनाते हुए, हम तभी जो है आध्यात्मिक चेतना का विकास कर पाएंगे। और इसी को अगर हम आगे देखें, हम अगर आदर्शवाद को देखें तो उसमें तमाम जैसे सामाजिक पक्ष व्यक्तिगत पक्ष दोनों चीज़ें एक दूसरे में समाहार है। और कुछ लोगों का आक्षेप भी है, कुछ और भी बात का आक्षेप है आदर्शवादियों के ऊपर कि यह सामाजिक पक्ष की उपेक्षा करता है, जो कि ऐसा नहीं है। उसके व्यक्तिगत जो लक्ष्य में वह सामाजिक पक्ष का समाहार मतलब उसको लिए हुए है, क्योंकि यह व्यक्तिगत लक्ष्य आत्मानुभूति को अगर प्राप्त करता है तो उसके जो है सारे चीज़ें उससे समाज को भी लाभ होता है। और उस आत्मानुभूति स्वानुभूति के जो सदाचरण है उससे निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलती है समाज को। तो यह एक प्रकार से उनका यह आक्षेप भी यहाँ पे खंडित करते हैं जो है आदर्शवादी, उसको यह चीज़ को नहीं मानते हैं कि यह समाज मतलब ये व्यक्तिगत इनका वो है। उनका एक प्रकार से दूसरा ये चीज़ कहना था कि यह जो इनका अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है जो आदर्शवादियों का, वो बुर्जुआ वर्ग का है, वो कुछ विशेष लोगों का है कि आत्मानुभूति की प्राप्त करना। ऐसा नहीं, यह सभी के लिए, हर आत्माधारी के लिए आदर्शवादियों का मानना था कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। और आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए अगर ऐसा है तो वो सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सबके लिए सोच रहे हैं कि अंतिम उद्देश्य तक, अंधेय तक ईश्वर की प्राप्ति करें। उसमें ये हो सकता है कि बुर्जुआ वर्ग का यह आक्षेप उनका इसलिए लगता हो कि वह विशेष लोग, क्योंकि ये इस क्रियाकलाप में कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं, अंतिम उद्देश्य तक कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये बहुत संघर्ष और बहुत तपस्या के प्रक्रिया है इसको पूरे प्राप्त करने में, इसलिए ये हो सकता है आक्षेप उन पे लगाते हैं। फिर भी जो है हम आगे बढ़ते हैं कि हॉकिंग ने दो उद्देश्य की विवेचना की और उसी पे अगर सामाजिक पक्ष को अगर इसको बताने के लिए उन्होंने दो पक्षों की विवेचना हॉकिंग साहब ने इसी संदर्भ में किया है। प्रथम संप्रेषण अथवा संवहन। प्रथम संप्रेषण, हमारी बहुत प्राचीन काल से तमाम ऐसे मनीषी हैं जो हमारे जो है थातियों के रूप में अपने स्मृतियों में रखे हुए थे, उस ज्ञान को अगर हम जो है उसको संप्रेषण कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसका संवहन नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी तक हम उसको ले जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है इसका जो है इस ज्ञान को जो है अगर हमारे पास ज्ञान है उसको संप्रेषित करना समाज का भी दायित्व तो है, व्यक्ति का भी दायित्व है। इसलिए समाज कुछ सामाजिक पक्ष की तो ये पूरे तरीके से मतलब समाज में रहने के समाज का ही ये विवेचना कर रहे हैं कि हम जितनी भी सारी चीज़ें प्राचीन काल से मुझे मिलती रही अगर हमें न मिला होता तो आज हम इतना पहले का ज्ञान को, हम प्राचीन जो ज्ञान है हमारी वैदिक कालीन ज्ञान है, महाभारत कालीन जो है, रामायण कालीन जो है,
तो उन सब ज्ञानों ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाते, और उसको हम केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने तक सीमित कर ले ये भी नहीं है, उसको आगे ले जाने की बात करते हैं। हॉकिंग साहब ने कहा कि द्वितीय विकास के लिए प्रावधान, उसके लिए ऐसा वातावरण बनाइए कि वह अगली पीढ़ी के लिए संप्रेषित हो सके, केवल उसी रूप में प्रेषित ना हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि इस उस ज्ञान को समृद्ध बनाने के जो है कार्य हमारा है, जिस रूप में मिला है उसको और समृद्ध बनाइए, और उस समृद्धि को जो है आगे संप्रेषित करते हुए उसको संवहित करिए, आगे बढ़ाइए, ऐसे जो है विकास का प्रावधान होना चाहिए। और उसी पर इस उद्देश्य पर जो है शिक्षा के जो है सामाजिक उद्देश्य पर जो उन्होंने कहा, हार्न ने उस पर एक जो है अपना कथन दिया है कि वैयक्तिक उद्देश्य भी गौण रूप से सामाजिक है, सामाजिक उद्देश्य भी गौण रूप से व्यक्तिगत वैयक्तिक है, दोनों चीजें। हार्न ने अब देखिए इसी के कर रहे हैं कि वैयक्तिक उद्देश्य भी गौण रूप से सामाजिक, क्योंकि एक जब ईश्वरानुभूति का होती है तो वह निश्चित रूप से परम मतलब सुपर माइंड के रूप में समाज में आता है और समाज को एक दिशा देता है, समाज को एक मतलब नया दर्शन देता है, उससे लोग लाभ लेते हैं और एक अपने ज्ञान को वह जो है संप्रेषित करके मतलब निश्चित रूप से समाज में पहुंचाता है और एक नई दिशा मिलती है समाज को। तो और फिर उन्होंने कहा कि यह सामाजिक उद्देश्य भी गौण रूप से जो है जो सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि आदर्शवादी कहते हैं कि आत्मिक आत्मा जो है अपूर्ण है, क्योंकि जब तक उसको हम पूर्ण न बनाएं, उस आत्मानुभूति तक न पहुंचाए, तब तक वो अपूर्ण है। तो यह निश्चित रूप से है कि पहले तो आत्मिक रूप से स्वयं को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम जो है वो होंगे। तो दोनों चीजें उन्होंने कहा कि सामाजिक उद्देश्य भी गौण रूप से वैयक्तिक है। अब हम अगला चलते हैं, आदर्शवाद में छात्र संकल्पना, आदर्शवाद में छात्रों के बारे में क्या कहा गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हार्न के अनुसार शिक्षार्थी ऐसा परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होता है, उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है तथा उसका नियत अमृत है। मतलब उन्होंने कहा, प्रोफेसर हार्न साहब ने कहा कि शिक्षार्थी मतलब उसमें अपरिमित व्यक्तित्व है, उसमें मतलब अंतर्निहित जो योग्यता है उसकी सीमा नहीं है, वह जब शिक्षित होगा उसको जब दिशा जो है गुरु के द्वारा शिक्षक के द्वारा प्राप्त होगा, वह अनंत पुरुष, अनंत पुरुष मतलब ईश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में विकसित होता है, उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है। देवत्व क्या है? उन मूल्यों को प्राप्त करके जब तक देवत्व की स्थिति में नहीं आएगा तब तक वह जो है अनंत पुरुष के रूप में विकसित नहीं हो सकता, उसका उद्भव भी देवत्व के रूप में होता है। उसकी प्रकृति स्वतंत्र है, क्योंकि वह जब इस तरफ बढ़ता है तो उसकी प्रकृति स्वतंत्र होती है, वो एकदम स्वतंत्र तरीके से अपने तर्कना शुरू करता है, तर्क करना शुरू करता है कि वास्तव में ये क्या है। उसके विचारों में उद्भवन होता है, तमाम तरीके के विचार उद्भवन होते हैं और उस पर एक जो सत्य होता है सबसे सारगर्भित होता है उसको स्वीकार करता है और उस पर चलता है। उसकी नियत जो है अमृत है, क्योंकि ईश्वर की ईश्वर तक पहुँचना आत्मानुभूति को प्राप्त करना ही अमृत है, वही चीज जो है प्रोफेसर हार्न साहब ने भी कहा। तो आगे उन्होंने शिक्षार्थियों पर दो पक्षों की जो है उन्होंने मतलब व्याख्या अगर हम देखेंगे तो आदर्शवाद में छात्र संकल्पना में यह हार्न का नहीं है, शिक्षार्थी का सामाजिक पक्ष और शिक्षार्थी का नैतिक पक्ष, दोनों चीजों की चर्चा हम करेंगे। अब हम शिक्षार्थी के सामाजिक पक्ष और शिक्षार्थी के नैतिक पक्ष, शिक्षार्थी के सामाजिक पक्ष में क्योंकि वातावरण जो जनित व्यवहार को एक शिक्षार्थी अपनाता है उससे प्रभावित होता है, उन उद्दीपनों से प्रभावित होकर उसको स्वीकार करने योग्य होता है उसको स्वीकार करता है, नहीं तो उसे छोड़ता है, जो अच्छा होता है उसे स्वीकार करता है, बुरे को छोड़ता है, उसको भेद करना जान जाता है। तो उसका ये जो है सामाजिक पक्ष है, मतलब वातावरण जनित व्यवहारों को अपनाना और अच्छी चीज़ों को अपनाना जो हमको उद्दीपित करती हैं, जो उद्दीपन योग्य है उसको जो है अपना लेना ही हम ये जो है वातावरण का प्रभाव होता है। मतलब वातावरण को भी शिक्षार्थी अपने अनुसार भी बनाता है, या तो फिर वातावरण के अनुसार अपने स्वयं को ढालता है, वातावरण ऐसा हो जो उसको आगे ले जाए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तक ले जाए। तो अब आता है शिक्षार्थी का नैतिक पक्ष। इसमें आदर्शवादी प्रकृतवादियों की तरह भावावेश में नहीं बहते कि जो है शिक्षार्थी जो है शिक्षार्थियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उनको कोई दबाव न बनाया जाए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यह आत्मा जो है आत्मा ये पूर्व संस्कारों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नैतिक पक्ष के बारे में कहा, शिक्षार्थी के नैतिक पक्ष में कहा
आदर्शवादियों में कि यह जो हमारा आत्मा का जन्म है, यह पूर्व जन्म जो होता है, पूर्व जन्म के आधार पर भी आत्मा का जो है वो होता है, शुभ और अशुभ में होता है। अगर शुभ है, हमारी आत्मा जो है शुभ है, तो शुभ की तरफ बढ़ेगी, शुभ कार्य करेगी। अगर अशुभ है तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बुरा, मतलब यह आत्मा बुरी भी हो सकती है, बुरे के तरफ बढ़ सकती है, उसके कार्य व्यवहार बुरे हो सकते हैं, केवल अच्छे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको जो है उस तरीके से वातावरण पैदा करना पड़ेगा, उस वातावरण देना पड़ेगा। ये हमारा जो है शिक्षा का कार्य है। अब हमने देखा शिक्षार्थी का सामाजिक पक्ष, शिक्षार्थी का नैतिक पक्ष, कि नैतिक पक्ष में भी वही चीज़ है कि उसको आगे ले जाने के लिए उसको बुरे को छोड़ना पड़ा। बुरा और अच्छा दोनों हो सकता है, हालांकि अच्छे को अपनाता है। तो दोनों रूपों में जो है आदर्शवादियों ने देखा शिक्षार्थी को कि न उसमें जो है दोनों चीज़ें आ जाती हैं नैतिक पक्ष में। अब अगला है आदर्शवाद तथा शिक्षक। अब इसमें जो है शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही विश्वात्मा के जो है दोनों अंग के रूप में देखेंगे, दोनों का ही अपना योगदान है इस विश्व योजना को बनाने में। तो इसलिए दोनों की ही भूमिका जो है समान रूप में है। उन्होंने दोनों को जो है इसमें परमात्मा का जो विश्वात्मा कहा गया सुपर, उसके दोनों के अंग, क्योंकि वही शिक्षार्थी भी वही आत्मा है और शिक्षक भी वही आत्मा है। क्योंकि शिक्षक थोड़ा सा उसे उत्कृष्ट अवस्था में है, वो ऐसा शिक्षक है जो उसे उस उद्देश्य तक पहुंचाने में कार्य कर रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा आदर्शवाद में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक और शिक्षार्थी परमात्मा के अंग है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा तथा शिक्षार्थी के संबंधों का विवेचन एडम के अनुसार शिक्षा दो ध्रुवों के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा शिक्षा दो ध्रुवों के बीच चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो शिक्षण प्रक्रिया होती है कि शिक्षक शिक्षार्थी को देता है और शिक्षार्थी अपने ध्येयों के तरफ बढ़ता है। और तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो शिक्षार्थी से भी कुछ न कुछ शिक्षक जो जिज्ञासा शिक्षार्थी के अंदर उत्पन्न होती है, आदर्शवादियों का मानना है उसके समाधान हेतु जो शिक्षक प्रयास करता है। तो ये दोनों ध्रुवों की प्रक्रिया है, दोनों से चलती है। और यह जो है यह प्रक्रिया सचेतन, मतलब सचेतन अवस्था में रहती है, क्योंकि शिक्षक भी अगर उसको कुछ देगा, शिक्षित करेगा, तो सचेतन अवस्था में रहेगा। अब जब तक चेतन अवस्था में नहीं रहेगा उसको कुछ दे नहीं सकता, और शिक्षार्थी भी जब तक सचेतन नहीं रहेगा तो उससे कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। तो यह दोनों की जो है सविमर्श जो है चलती है, चर्चा पर चर्चा पे चलती है। और इसको उन्होंने दो उपकरण के रूप में प्रयोग किया। पहला है शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षार्थी पर प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है ज्ञान के विभिन्न रूप में उनका उपयोग। तो शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षार्थी प्रत्यक्ष प्रभाव, निश्चित रूप से आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षक ऐसा शिक्षक जो उसे अपने उद्देश्यों तक ले जाता है, उसका निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उसके आदर्शों, उसके नैतिक, उसके चारित्रिक, उसके क्रियाकलापों का प्रभाव उस शिक्षार्थी पर पड़ता है। और दूसरा है ज्ञान के विभिन्न रूप में उनका उपयोग। और उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी जो ये सब सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं उनको ज्ञान के विभिन्न रूप में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको सामाजिक जीवन भी जीते हैं और अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो शिक्षार्थी जो है उसको विभिन्न रूपों में प्रयोग करके आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक आदर्शवादी शिक्षक के गुण जो इस प्रकार हैं। शिक्षक को अपने विषय और व्यवसाय कला में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक ऐसा शिक्षक हो जो निश्चित रूप से उस उद्देश्यों, जिस उद्देश्य तक उस शिक्षार्थी को ले जाना है, उस उद्देश्यों के उस रास्ते के बारे में विधिवत उसका दक्ष होना चाहिए, और तभी जो है अपने शिक्षार्थी पर वो प्रभाव डाल सकता है। अपरिपक्व बालक के लिए शिक्षक विश्वात्मा के रूप में होता है, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि जो अपरिपक्व बालक है, जो अभी अबोध है, जो ऐसी आत्मा है कि जो अभी चलना सीख रही है, तो वह एक विश्वात्मा मतलब साक्षात परमात्मा के रूप में उसको देखता है, उसका अनुकरण करता है, उसके आदर्शों पर चलता है। तो इसलिए उसके लिए परिपक्व होना चाहिए, उसको ज्ञानी होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। दूसरा, शिक्षकों को अपने छात्रों का हितैषी और मित्र होना चाहिए। शिक्षक आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षक ऐसा हो जो शिक्षार्थियों का हितैषी हो और मित्र जैसे हो, मतलब उसका व्यवहार जो है इतनी आत्मीय और इतना पुत्रवत हो कि शिक्षार्थी उससे जो है अपने पिता के जैसा माने, उसे मित्र जैसा माने और अपना हितैषी माने, जो सारी चीजें, तभी वह उससे कुछ ग्रहण कर पाएगा। तीसरा है, शिक्षकों का जीवन की कला निपुण होना चाहिए। शिक्षकों को जीवन की कला में निपुण होना चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षक वही
सकुशल पूर्वक सकुशलता से उसे शिक्षा दे पाएगा, उस शिक्षार्थी को जो जीवन की कला में निपुण हो, इस समाज के बारे में जानता हो, उस चरित्र के बारे में, उस संस्कृति के बारे में, नैतिक धर्म के बारे में, इन नीति के बारे में, इन सारी चीज़ों में जब तक दक्ष नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों को कुछ दे नहीं पाएगा। तो ये शिक्षक का जो है ये गुण है कि वह जो है इसमें जो है इस कला में निपुण होना चाहिए। चौथा है, शिक्षक को बालकों को पूर्ण बनाने में ईश्वर का सहयोगी होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर वही चीज़ आती है जो हमारे नैतिक मूल्य की बात हुई, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिक्षक ऐसा हो जो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति तक हो, उस आचरण वाला हो, तभी जो है वह ईश्वर का सहयोगी होगा। मतलब उसको पूर्ण, उस आत्मा को पूर्ण, जो बालक रूपी आत्मा है उसको तभी पूर्ण बना पाएगा जब तक वह जो है ईश्वर का सहयोगी नहीं होगा, उसके तरफ बढ़ा नहीं होगा, उसको जानता नहीं होगा, ईश्वर के पथ को नहीं जानता होगा, तब तक वो जे जाने तो तुम्हें तुम्हें हो जाए वाले स्थिति में नहीं होगा। वह ईश्वर, वह गुरु को तक, मतलब वह गुरु जो है ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। अब शिक्षक की को प्रगतिशील विचारों का अग्रदूत होना चाहिए। अब शिक्षक को, क्योंकि हमारा जो है यह हमारे आदर्शवादी कहते हैं कि हमारी आत्मिक जगत, हमारी जो विचार है इसकी के द्वारा उद्भवन हुआ है वस्तु जगत का। तो इस वस्तु जगत को अगर हमें चलाना है, सकुशलता पूर्वक चलाना है और भौतिक रूप से इसको मतलब समृद्ध करना है, तो इसमें भी एक शिक्षक को कुशलता उनको प्राप्त करनी पड़ेगी, कुशल होना चाहिए। और इसी पर उन्होंने कहा कि यह प्रगतिशील विचारों को, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं अगर समाज के जो अनुरूप है उसको आगे बढ़ाने के लिए, नहीं नहीं कि वो उसी पर रोक दे। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन आगे, उन्होंने कहा कि हमारे मतलब ज्ञान कम्युनिकेट करके उसको समृद्ध करना, बनाने की जो परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य है वो शिक्षक का ही है, वो शिक्षक ही कर सकता है। अगला है, शिक्षक को लोकतंत्र का निर्माता होना चाहिए। मतलब शिक्षक एक लोकतांत्रिक व्यवहार उसमें होना चाहिए, गणतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। जब तक लोकतांत्रिक व्यवहार शिक्षक में नहीं रहेगा तब तक वह जो है हर आत्माधारी शिक्षार्थी को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वो भेदभाव से फिर निकल नहीं पाएगा। अगर उसमें भेद कर लिया, किसी में ज़्यादा आत्मीयता दिखा दिया, किसी से वो दुराव कर लिया, तब वो लोकतांत्रिक शिक्षक के रूप में हमारे सामने नहीं आ सकता। अब सबसे आता अंतिम में आता है, आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना चाहिए। आत्मिक स्मृति मतलब आत्मा के जो के अंदर जो अंतर्निहित जो योग्यता है उसकी स्मृति का अभ्यास करना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमारी सद्वृत्तियों को कैसे विकास हो, हम नैतिक आचरण कैसा करें, हम नैतिक मूल्यों को कैसे प्राप्त करें, और अंतिम जो सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा उस अध्यात्म के जो उन्होंने कहा कि अध्यात्म के अंतिम चरमावस्था है एक आत्मा की जो ईश्वर की प्राप्ति, उस तक पहुँचने के लिए हमको जो है आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना चाहिए। आदर्शवादी पाठ्यक्रम अब हम देखेंगे कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम क्या है। आदर्शवादी ज्ञान को सनातन मानता है। आदर्शवादियों का मानना है कि ज्ञान हमारा जो है सनातन है, शाश्वत है, सत्य है, जो हमको पहले से ही, जो जिसका कभी क्षय नहीं होता है, उसी को उन्होंने कहा कि जो पहले से हमको मिला, कम्युनिकेशन हुआ, उसको समृद्ध करके उसको आगे बढ़ाने वाला काम। तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञान जो आदर्शवादी ज्ञान है वो सनातन है और यह सूक्ष्म विचार सदा चिरंतन है। अतः पाठ्यक्रम की रचना आधार न बालक हो सकता है न समाज, अपुत विचार और आदर्श होने चाहिए। इन्होंने कहा कि ये प्रकृतिवादियों की तरह है कि वहाँ पर कि पाठ्यक्रम का आधार हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरे पूरे वो शिक्षार्थियों पर निर्भर करती है। जैसा शिक्षा वो लेना चाहेगा, जैसा उसका विचार, उसी तरीके से हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, ऐसा नहीं। उसका उन्होंने आदर्शवादी ने उसका विरोध किया। विरोध क्या किया इस चीज़ को, उन्होंने अपनी चीज़ें दिया आदर्शवाद में कि पाठ्यक्रम की रचना का आधार न बालक हो सकता है न समाज। न तो बालक ही हो सकता है न समाज हो सकता है। पाठ्यक्रम की रचना का आधार मुख्य रूप से विचार और आदर्श होने चाहिए। हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उसी मूल्यों के आधार पर जो है हमने अपने विचारों को बनाते हैं, उसी विचारों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसी पर आगे चढ़ते हैं। तीसरा, उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के पाठ्यक्रम ही समानार्थक, जो सत्यम शिवम और सुंदरम हमारे मूल्य हैं, उनके समानार्थक क्रमशः ज्ञान, कर्म तथा भावना को पोषित करने वाले विषयों को समावेश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना है तो उनके समानार्थक ज्ञान, कर्म तथा भावना, ऐसा मतलब ऐसा रहे जो सत्यम शिवम सुंदरम तक ले जाए, ऐसे ज्ञान हम प्राप्त करें, उस ऐसे कर्म करें, ऐसे पाठ्यक्रम में हमको सम्मिलित करना चाहिए, और इस तरीके से भावना
भावनाओं से जो सारी चीज़ें हों, जो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति हो, ऐसे जो है पोषित जो पाठ्यक्रम है वो विषयों में समावेश करना चाहिए। उक्त तीनों आदर्शों की पूर्ति हो बोगोस्लावस्की ने चार विभागों में विभक्त किया। बोगोस्लावस्की हमारे जो है ये दार्शनिक थे, उन्होंने चार विभागों में इसको विभक्त किया। और प्रथम खंड को उन्होंने कहा विश्व खंड, उन्होंने प्रथम खंड को विश्व खंड कहा। विश्व खंड का मतलब इसमें जैविक रूप से अगर देखें, भौगोलिक रूप से सौरमंडल और सारी चीज़ें जो विज्ञान से संबंधित हैं, जो वस्तु जगत में दिखाई पड़ता है, वो उन्होंने कहा ये विश्व खंड है। जो ब्रह्मांड है, सारी चीज़ें जिसमें इसकी जो है इसके बारे में अध्ययन करना, उसको जानना, ये विश्व खंड के अंतर्गत आता है प्रथम खंड में। द्वितीय खंड को उन्होंने कहा सभ्यता खंड। सभ्यता खंड इसमें जो है आपके आचरण सदाचरण आते हैं, आपकी सभ्यता संस्कृति नैतिक और इन सब सारी चीज़ों को जो है इसमें समावेश है। तृतीय उन्होंने संस्कृति खंड। संस्कृति इस सभ्यता संस्कृति मतलब जितनी भी सारी नैतिक चीज़ों बढ़ने के बाद फिर संस्कृति का निर्माण, मतलब उस संस्कृति जो ज्ञान है उसको सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करके उसको संस्कृतिक खंड उन्होंने बोला। चतुर्थ व्यक्तित्व निर्माण खंड उन्होंने बोला। चौथा उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण खंड बोला, और जिसमें विश्व मतलब इस सब सारी चीज़ों को लेते हुए व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो जो सत्यम शिवम और सुंदरम को हो। तो इन सब सारी चीज़ों को ऐसे जो है उन्होंने चार खंडों में बांटा कि विश्व खंड में ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था हो जो सौरमंडल के बारे में, विज्ञान के बारे में, सारे मतलब जीवों के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में उनकी जानकारी हो जो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। द्वितीय सभ्यता और मतलब सभ्यता में उन्होंने कहा नैतिक आचरण, जो नीति धर्म और जो सारी चीज़ आचरण चरित्र, इन सब सारी चीज़ों को सभ्यता खंड में उन्होंने रखा जिससे संस्कृति का निर्माण होता है। तीसरी संस्कृति, हम हमारी समृद्ध संस्कृति के बारे में जो है वो आगे बढ़ाया कि संस्कृति खंड। फिर चौथा व्यक्तित्व निर्माण खंड। आगे हम चलते हैं अब शिक्षण प्रक्रिया पर देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया, यहाँ पर आदर्शवादियों का मानना था कि यहाँ पर शिक्षण विधियाँ साध्य नहीं बल्कि एक साधन के रूप में है। उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वो हमारा अंतिम साध्य नहीं है, जो हमारा उद्देश्य था साध्य वो जो है एक साधन के रूप में उन्होंने देखा कि यह साधन है, ये मुझे वहाँ तक पहुँचाने का साधन है, साध्य नहीं है शिक्षण प्रक्रिया। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, इनका जो मुख्य रूप से जो शिक्षण प्रक्रिया थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रणाली मतलब जो सीधे आके जो किसी भी समस्या समाधान मतलब वो समस्या पैदा करना, ऐसी भी स्थिति को जिसमें शिक्षक गुरु जो है शिक्षार्थियों के सामने ऐसी समस्या देता था और जो वह उत्तर निकलवाना चाहता उस उत्तर तक जो है स्वयं शिक्षार्थी को ले जाता था, जब उस उत्तर को प्राप्त कर लेते थे वह प्रत्यक्ष प्रणाली होती थी। और अप्रत्यक्ष प्रणाली जिसमें हम पुस्तकों के जो शिक्षा है उस पुस्तकों की शिक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। तो उनका ये मानना था कि प्रत्यक्ष प्रणाली भी बहुत ही हमारे लिए स्मृति के लिए मतलब समृद्ध माना जाता है, स्मृतियों हमारे बना रहता है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रणाली भी इसमें सहायक है। आत्मक्रिया, आत्मा जो स्वतः प्रेरणा में समर्थ है, शिक्षा के केंद्र बिंदु छात्र के अंदर है। मतलब इसमें इन्होंने कहा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण मतलब आत्मा शिक्षा का केंद्रभूत छात्र के अंदर है। आत्मा जो स्वतः उसके अंदर है, उसके अंदर प्रेरणा है। हम तो उस शिक्षार्थी को जो है एक वातावरण तो दे सकते हैं, एक जो है उसका गार्जियन माता पिता उसको एक उसको वातावरण देगा, अच्छा वातावरण दे सकता है, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करा सकता अगर वह नहीं पढ़ेगा। स्वयं से वो आत्मकेंद्रित आत्म प्रेरणा नहीं प्राप्त करेगा, खुद से स्वतः प्रेरणा नहीं प्राप्त करेगा तो नहीं कर सकता। गुरु का भी शिक्षक का भी दायित्व यही है, जब तक उस प्रेरित स्वयं से नहीं होगा, आत्म प्रेरित नहीं होगा, वह शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, वह शिक्षण नहीं प्राप्त कर सकता। आदर्शवाद में शिक्षा की स्वशिक्षा ही हो सकती है। आदर्शवादी उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वह स्वशिक्षा के रूप में होना चाहिए, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत उद्देश्य होता है कि वह जो है आत्मानुभूति को प्राप्त करना। तो स्वयं शिक्षा स्वयं से प्रेरित होकर जब तक उस शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, उस शिक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा, तब तक उस अपने अंतिम उद्देश्य तक नहीं पहुँच सकता। जगत के प्रति स्वयं की अनुक्रिया का स्रोत मनस है। जगत के प्रति जो वस्तु जगत हमको दिखाई पड़ता है उसके प्रति अगर हम अनुक्रिया करते हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका भेद अभेद करते हैं, उन सब सारी चीज़ों के प्रति अगर हम अगर अनुक्रिया कर रहे हैं तो उसका स्वयं हमारा मन हमारा अंतर क्रिया है, हमारा आत्मा है। अगला आदर्शवाद में हर प्रकार की शिक्षा चरित्र निर्माण की शिक्षा, क्योंकि सद्वृत्तियों को बिना प्राप्त किए, मूल्यों को बिना प्राप्त किए हम जो है आत्मानुभूति तक नहीं प्राप्त कर सकते।
तो सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, बिना इसके चरित्र का निर्माण किए हम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने कहा कि आगे ही शिक्षण प्रक्रिया में उन्होंने अनुकरण का बहुत महत्व दिया आदर्शवादियों ने, कि आदर्शवाद अनुकरण शिक्षण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण तत्व माना। व्यवहार का अनुकरण, व्यवहार का अनुकरण उस शिक्षक का अनुकरण भी करते हैं, उस माता पिता का भी, उनके बड़े भाई का भी, बहन का भी, सबके अच्छे आदर्शों अच्छे व्यवहार का वो अनुकरण करके सीखते हैं। स्थूल पदार्थों एवं क्रियाओं का अनुकरण, स्थूल पदार्थों चित्रकला हस्तशिल्प मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं वो जिससे अच्छी चीज़ें उनको मिलती है उससे प्रेरित होकर उस चीज़ को सीखते हैं, उससे वो कुछ आत्म प्रेरित होकर सीखने का कार्य वो शिक्षण में लेते हैं। तीसरा धार्मिक और ऐतिहासिक साहित्यिक कृतियों के महानायकों का अनुकरण, जितने ऐतिहासिक रूप से जितने भी महानायक हैं उनके द्वारा जो प्रेरित होते हैं, उनको जो सीखते हैं, उनको समझते हैं, उनके मूल्यों को अपनाते हैं और वही मूल्य आगे चलकर व्यक्ति निरपेक्ष गुणों का अनुकरण करने लगते हैं, कि मतलब उनमें इतना मूल्यों का समझ हो जाता है उन मतलब धीरोदात्त नायकों महानायकों का अनुकरण करके, कि वह जो है व्यक्ति निरपेक्ष जो भी होता है उसका अनुकरण करने लगते हैं कि इनमें ये सारी चीज़ें गुण हैं कि नहीं है, तो उनका अनुकरण करते हैं। अनुकरण के सर्वोच्च शिखर पर पृथक पृथक गुण नहीं रह जाते, अगर हम अनुकरण के अंतिम सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे तो वो जो है शिवम कल्याणकारी की स्थिति में हो जाता है, शिवम के रूप में हो जाता है। तो शिक्षण विधाएँ आगे हम देखेंगे, टीचिंग डिवाइसेस, आदर्शवाद अनेक विधाओं को शिक्षण में प्रयोग लाता है, जिसके सक्रेटिक विधा, व्याख्यान तथा विस्तार विधा तथा प्रायोजना विधि। सक्रेटिक विधा में इन्होंने वही चीज कहा कि इसमें भी सक्रेटिक विधा में प्रश्नों को समझ शिक्षार्थियों के सामने रखा जाता था, उसका समाधान स्वयं उसको जो है उस उत्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता था शिक्षक, तो वह जो है एक सक्रेटिक विधा के अंतर्गत आता है, जो को बहुत आदर्शवादियों ने इसको अपनाया। फिर व्याख्यान तथा विस्तार में तमाम ऐसी गूढ़ चीज़ें होती हैं जो जिसको जो है बिना व्याख्यान और विस्तार किए हुए उसको समझाए हुए गूढ़ तत्वों को, गूढ़ रहस्यों के बारे में बिना बताए शिक्षार्थी नहीं जान सकता। यह कार्य जो है एक जो है परिपक्व जो है शिक्षक, दक्ष शिक्षक जो रहता है वही दे सकता है। अब अगला आता है प्रायोजना विधि, जो कि क्लिपेट्रिक आगे देखेंगे प्रयोजनवाद में, लेकिन प्रायोजना विधि को भी जो है आदर्शवादियों ने अपनाया। प्रायोजना विधि में उन्होंने देखा कि प्रायोजना विधि में समस्या को दिया जाता है, समस्या को वो समझता है, समस्या को एक निराकरण करता है, धीरे धीरे समस्या पर एक जो है संभावित उत्तर, जिसे उन्होंने कहा कि हाइपोथीसिस, उसको प्रकल्पना बनाता है, प्रकल्पना को वो जो है परीक्षण करते हुए एक जो है अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचता है जिसका वो समाधान कर लेता है, और इसी को उसने प्रायोजना विधि को भी वो अच्छी तरीके से उसको किया। अब आता है आदर्शवादी अनुशासन। आदर्शवादी अनुशासन को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना है। आदर्शवादी मतलब शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि अगर जब तक जो है शिक्षार्थी जो है अनुशासित नहीं रहेगा तब तक आत्मिक रूप से उसका विकास नहीं हो सकता और अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख तत्व हैं, प्रथम शिक्षक, द्वितीय प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण, तृतीय छात्र स्वयं। तो उन्होंने तीन प्रमुख तत्व बताया। प्रथम शिक्षक, शिक्षक के द्वारा, शिक्षक जब तक उनको जो है दिशा निर्देश नहीं, अनुशासित दिशा निर्देश नहीं देगा, आत्म प्रेरित नहीं करेगा, आत्म अनुशासित नहीं करेगा तब तक वो अनुशासित नहीं हो पाएंगे। और फिर प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण, मतलब प्रकृति और समाज के प्रति भी उनका जो है दायित्व यह है आत्म प्रेरित होकर उस समाज के अनुरूप ही व्यवहार करें, समाज के अनुसार चले, फिर जो है वह जो है अच्छे से उस अनुशासन पर आगे बढ़ पाएंगे। आदर्शवादी अनुशासन प्रभाववादी कहा जाता है। आदर्शवादी अनुशासन को प्रभाववादी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है कभी तात्कालिक रूप से जो है छात्रों को जो है वह दबाव बनाकर जो है उनके कार्य व्यवहार को बदला जाता है, इसलिए प्रभाववादी मुख्य रूप से ये प्रभाववादी होता है जो शिक्षक होता है, शिक्षक के जो है आदर्शों उसके उसको अनुकरण करके उसके प्रभाव पर जो है उस शिक्षार्थी पर पड़ता है, इसलिए प्रभाववादी इम्प्रेसिटिक होता है। तो आदर्शवादी का अनुशासन प्रभाववादी कहा जाता है। अनुशासन में सबसे प्रमुख तत्व तो है छात्र ही है। अनुशासन में सबसे प्रमुख तत्व तो है छात्र है, छात्र शिक्षक की लाख कोशिश कर ले, अगर छात्र स्वयं से आत्म प्रेरित होकर अनुशासित नहीं होता है तो अनुशासन नहीं स्थापित कर सकता, इसलिए इसका प्रमुख तत्व छात्र है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन शिक्षक की आवश्यक शर्त है, शिक्षा से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है, शिक्षा से परे अनुशासन का कोई महत्व नहीं है, मात्र अनुशासन के लिए अनुशासन का कोई स्थान नहीं है। तो यह अनुशासन शिक्षक की आवश्यक शर्त है।
मतलब एक शिक्षक कहता है कि अनुशासन तो हमारी आवश्यक शर्त है, जब तक हम उनको अनुशासित नहीं करेंगे उसको उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, ये उसका है। शिक्षा से अवच्छिन्न, मतलब उनका मानना है कि शिक्षा से अवच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जो हमारा उद्देश्य है उससे अवच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और अनुशासन का कोई महत्व नहीं है, और अनुशासन का कोई महत्व नहीं, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अवच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मात्र अनुशासन के लिए अनुशासन करना ये भी ठीक नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, उसका स्थान नहीं दिया उन्होंने। अनुशासन का उद्गम छात्र की आत्मशक्ति होता है, तो आत्म प्रेरित आत्म, अगर आत्मिक रूप से वह प्रेरित होकर अनुशासित नहीं होता है, समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, अपने उद्देश्य की तरफ नहीं बढ़ता है, तो वह जो है अनुशासित नहीं होगा। अनुशासन में छात्रों को मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने का दमनात्मक विधि कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ उदंड छात्र आते हैं, उनको दमन करने के लिए जो है दमन विधियों का जो है प्रयोग शिक्षक करता है, तो इसको ही दमनात्मक विधि कहते हैं। स्वतः प्रेरित अनुशासन से ही चरित्र निर्माण होता है, वाय अनुशासन से नहीं। जितने भी चरित्र निर्माण हुए हैं वो स्वतः प्रेरित आत्म प्रेरित हुए हैं। हम अगर लाख कोशिश कर लें एक शिक्षक के रूप में शिक्षार्थी को कुछ देने के लिए कि आप तुम ऐसे करो, ऐसे आचरण करो चरित्र रूप से, तो वो नहीं हो सकता जब तक वो स्वतः उसके अंदर प्रेरणा नहीं होगी। अगर हम आदर्शवादी शिक्षा का मूल्यांकन करें तो इसमें हमको जो है 5 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक दर्शन के रूप में आदर्शवाद जीव और जगत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है। दर्शन के रूप में जीव जगत सबके जो है व्याख्या वो प्रस्तुत करता है कि वास्तव में यह आत्मा क्या है, यह जगत क्या है, जगत का निर्माण कैसे हुआ है, सारी व्याख्या हम जो है आदर्शवादियों ने प्रस्तुत किया है। शिक्षा दर्शन के रूप में यह शिक्षा शास्त्रियों को शाश्वत मूल से परिचित कराता है। शिक्षा दर्शन के रूप में शिक्षा शास्त्री, जो भी शिक्षा शास्त्री आए, शाश्वत मूल्य हमारे क्या है उसके बारे में परिचय कराया आदर्शवादियों ने, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। तीसरा, आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र पर अधिक और ज्ञान की अन्य शाखाओं, व्यावसायिक विषय, भौतिक विज्ञान आदि पर कम बल दिया गया। तो मुख्य रूप से इनका आध्यात्मिक उद्देश्य था कि वो आत्मानुभूति तक पहुँचना, तो उनका मुख्य उसमें उनके पाठ्यक्रम में साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र और अधिक ज्ञान की अन्य शाखाओं को ज़्यादा आया, व्यावसायिक विषय और भौतिक विज्ञान से कम उन्होंने बल दिया। तो ये सब सारी चीज़ें उनमें रही, ये कमियां भी रहीं। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में आदर्शवादियों ने अनेक उत्तम विधियों का निर्माण किया, जिसमें हमने ये भी चर्चा की कि अच्छे उन्होंने सक्रेटिक विधि, व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि और प्रायोजन विधि, तमाम विधियों को उन्होंने प्रयोग किया और उसका उपयोग भी किया। अनुशासन के संबंध में आदर्शवादी विचारधारा को अधिकांश शिक्षा शास्त्री उत्तम समझते हैं। आज के भी संदर्भ में देखा जाए तो अनुशासन के मामले में आदर्शवादी सबसे परफेक्ट हैं। कभी कभी जो है दमनात्मक नीति अपनानी पड़ती है शिक्षार्थियों के साथ, अगर उनको स्वतः ऐसा वातावरण प्रेरित मतलब बनाया जाए कि वो स्वतः प्रेरित होकर, आत्म प्रेरित होकर और वो जो है ऐसा व्यवहार करें अनुशासन में, अनुशासन का भी महत्व है। अब इसी के साथ हमने अभी तक पढ़ा सिद्धांतों को, पढ़ा उनके का शिक्षा मतलब आदर्शवादियों की शिक्षा क्या है, शिक्षक संकल्पना क्या है, छात्र संकल्पना क्या है, शिक्षण विधियाँ क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, अनुशासन क्या है, शिक्षक का मूल्यांकन, तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी देखा। अगले कक्षा में निश्चित रूप से हम पुनः मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके लिए नमस्कार।